इनकम्प्लीट सवाल है ये तो विल सॉलिड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ओके गिवन दैट मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ और आगे का क्वेश्चन है डायामीटर इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ठीक है चलो जान दो ये सर्फेस का समय लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम ये सर्फेस का समय कैसे स्टार्ट करेंगे देखो उसने बोला है मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डायामीटर ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स डायामीटर ऑफ द अर्थ जो डायामीटर का रिलेशन है वही रेडियस का रिलेशन होगा देयरफॉर रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है तो ये उसने कंपैरिजन किया मून और अर्थ के बीच में सरफेस का फॉर्मूला है सो ऑन अर्थ सरफेस फॉर्मूला क्या आएगा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये अर्थ है अर्थ है अर्थ जी ई लिख दिया ऑन मून सरफेस पे क्या आएगा जी मून इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेंगे तो जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू उल्टा हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून दी होल स्क्वायर व्हाट इज मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इसका आंसर 1/80 है व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 का स्क्वायर तो आंसर आएगा 16/80 ठीक है तो जी एम इज इक्वल टू 16/80 टाइम्स ऑफ जी अर्थ ओके सो इट कैन बी सॉल्व इजीली नाउ यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ठीक है दैट इज 9.81 तो 80 और 16 में जो डिवीजन है दैट इज 5 जा तो दिस इज 1 जा दिस इज 5 जा This is 9.8 upon 5. You will get the answer. ठीक है? Next. A body weight 4.5 kg on the surface of the earth. Earth के surface में body का weight 4.5 kg weight है. How much will it weight on the surface of the planet? अभी comparison earth और planet के बीच में चल रहा है. Whose mass is 1/9 times mass of the earth. Mass of the planet is 1/9 times mass of the earth. And radius of the planet is 1/2 times radius of the earth. ठीक है ये रिलेशन दिया हुआ है चलो फॉर्मूला बताओ ऑन अर्थ सरफेस क्या लिखोगे फॉर्मूला जी अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ठीक है सरफेस का समय तो यही फॉर्मूला है अभी सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ प्लैनेट सरफेस वाला समय ऑन प्लैनेट सरफेस क्या आएगा फॉर्मूला बताओ जी पी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर ठीक है नाउ डिवाइड करते जी पी अपॉन जी ई इज इक्वल टू व्हाट इज जी पी अपॉन जी दैट इज जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर इंटू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर दिस विल गेट कैंसिल मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ into radius of earth upon radius of planet the whole square so g planet upon g earth is equal to what is mass of planet upon mass of earth mass of planet upon mass of earth is 1/9 radius of earth upon radius of planet is 2 hai na ye earth upon planet is 2 ka square to gp is 4/9 times of ge now मुझे वेट के फॉर्म में दिया तो आई मल्टीप्लाई बाय मास ऑन बोथ दी साइड क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है तो एम जी पी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ एम जी ई दिस इज व्हाट दिस इज वेट ऑन प्लैनेट इज 4/9 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ तो वेट ऑन अर्थ उसने दिया हुआ है 4.5 है ना तो मल्टीप्लाई बाय 4.5 9 1 जा 9 0.5 जा तो आंसर कितना आएगा 2 kg वेट
ठीक है, व्हाट इज द आंसर, 2 kg वेट। तो देखो सरफेस वाले समय कंपैरिजन वाले समय, पहले वाले समय अर्थ और मून में कंपैरिजन था, दूसरे वाले समय अर्थ और प्लैनेट में कंपैरिजन, रेशो करके डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। 2 मार्क के लिए वेरी इजी सम्स। नेक्स्ट, बाय हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाय हाउ मच अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेड्यूस बाय 36%। ओके, रेड्यूस बाय 36% than the value on the surface of the earth. Question aise se padhna hai, how much above the surface of the earth, matlab height find karna hai, how much above the surface of the earth matlab height find karna hai, value of acceleration due to gravity will reduce by 36%. Agar reduce by 36% hai to 64% bach gaya that of the earth. So what is gh upon ge? Okay, that is G. Let's say this is G, earth surface ka. GH upon G. So it is 64 upon 100. Okay, so main aise rakhta hu. Kaun se height pe gravity reduce by 36% ho jayega. When I say reduce by, then what is remaining? 64% is remaining. Height ka samay, GH is equal to G, R upon R plus H the whole square. Okay? Therefore, GH upon G is equal to R upon R plus H the whole square. बहुत easily solve करना है, तो इसको invert into ले लो. G upon G मतलब उल्टा कर दो इसको. तो एकदम easy हो जाएगा calculation. वैसे भी sum बहुत easy है. ठीक है? तो G upon GH. What is G upon GH? G upon GH is 100 upon 64. Is equal to 1 plus h by r the whole square. चलेगा ऐसे लिखा तो r upon r is 1, h upon r ऐसे लिखा, square को इधर लेके आया तो root हो गया, तो 10 upon 8 is equal to 1 plus h by r. This is 4 जा, this is 5 जा. ठीक है, तो 5 by 4 minus 1 इधर हो गया is equal to h by r. ठीक है, so कितना answer आएगा इसका, it is 1 by 4. तो h is equal to r by 4 is the answer. बोला रे, r की वैल्यू कितनी है, 6400 upon 4, तो आंसर कितना आएगा, it is 1600 किलोमीटर. तो 1600 किलोमीटर above the earth surface, the value of acceleration due to gravity falls by 36%. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइट वाले सम जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ इधर इनवर्ट एंड करना मत भूलिए. ठीक है, नेक्स्ट वन, एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर से वही है, एंड व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस बाय 20% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस. ठीक है, लेस बाय 20%, तो वही है. तो कौन से सरफेस अबव और कौन से डेप्थ, बोले दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है. द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is reduced by 20% of its value on the surface. तो चलो height का तो मैंने कर दिया ऊपर, depth का करते हैं. कि gravity is reduced by 20%, मतलब 80% of g 20% से reduce हो गया, तो कितना बच गया, 80%. ये बहुत important है, कितना बच गया, upon 80 by 100, this will get cancel, this is 4 by 5. ठीक है, now depth का formula क्या है, g 1 minus d by r. तो GD upon G is equal to 1 minus D by R. What is GD upon G? It is 4 by 5 is equal to 1 minus D by R. So this can be written as D by R. इसको मैं यहां लेके आता हूं और इनको यहां लेके जाता हूं. It is 1 minus 4 by 5. तो D is equal to, D by R is equal to, it is nothing but what? 5 1s are 5 minus 4, it is 1 by 5. तो depth आएगा R by 5. R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 6400 upon 5, you will get the answer in kilometer. ठीक है, तो depth का भी काफी simple हो जाता है, easy. So easy sums gravitation में आपको मिलेंगे देखने के लिए, height वाले, depth वाले, ठीक है, surface वाले, latitude वाले भी sums है, तो वो भी आप easily कर सकते हो, latitude वाले sums. Okay, so overall important sums इस चैप्टर में जो है वो हाइट एंड डेप्थ वाले सम्स है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन विथ. ओके, थैंक यू वेरी मच.